आफ्टरनून गाइस, कहते हैं आप सब एक बार आपका फिर से स्वागत है मैक ब्लॉग के अंदर। एज यूजुअल मैं अपने साइड से ही ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहा हूं। ऊपर आप देख सकते हैं ऊपर अभी काम कर रहे हैं। ऊपर जो हमारे आगे का जो मैंने आपको वर्क बताया था कि हमें कंप्लीट करवाना था वो अभी चल रहा है। तो ये देखिए आप, यहाँ का ये वर्क कंप्लीट हो जाता है तो हमारे लिए टेक्सचर का तरीके से पॉइंट आ जाएगा कि हम टेक्सचर करवा सकते हैं। तो अभी यहाँ का ये आगे का जो थोड़ा फ्रंट का बचा हुआ वर्क है वो मैं निपटवा रहा हूँ। और अभी आपको जैसा मैंने बताया था कि अभी हमें जाना है डोर्स वगैरह देखने हैं, तो एक शोरूम का मेरे पास एड्रेस मेरे को मिला था किसी से, तो वहां हम देखने जा रहे हैं। और उसके अलावा हमें पेंट्स वगैरह भी देखने हैं क्योंकि हमें इनके लिए पेंट्स सेलेक्ट करना है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि 2 से 3 कलर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए जिससे कि ये डोर जो है, क्योंकि फ्रंट जो है वही अपना मेन पार्ट रहता है। तो इसके अलावा हमें यहाँ के लिए एक CNC बनवानी थी। ये जो आप पोर्शन जो देख रहे हैं तो इसमें क्या रहेगा कि यहाँ पे बीच में एक CNC लगेगी और CNC लगने के बाद साइड में विंडोज, तो ये कुछ इस तरीके की विंडो रहने वाली है। तो कुछ इस तरीके का डिजाइन है। यहाँ के लिए भी CNC मैंने लगभग फाइनल कर दी है, तो अभी जाएंगे तो अगर शॉप खुली होगी, वैसे आज क्या संडे और संडे को उदयपुर थोड़ा बंद रहता है, पर अभी फेस्टिवल्स वगैरह होने की वजह से मैं भी शॉप खुली हूँ और शॉप खुली होगी तो हम ये इसका भी ऑर्डर जो है वो दे देंगे। तो ये कुछ और अंदर जो है वो एज यूजुअल काम जो चल रहा है वो पुट्टी की घिसाई जो है वो इस सामने वाले रूम में चल रही है। बारिश जो है वो काफी ज्यादा परेशान कर रही है, अभी ऊपर का काम कर रहे हैं और बारिश वापस से स्टार्ट हो गई और बारिश ऐसे आ रही है 2 मिनट आती है और वापस बंद हो जाती है। बारिश का बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है और इससे हमें काफी सारे लॉसेस भी हो रहे हैं, पर क्या करें अब जो भी है। अभी मैं जैसे कि यहाँ पे थोड़ी देर पहले भी बारिश आई थी और उसके बाद मैं बाहर अपने घर की तरफ गया तो वहां पे बारिश थी नहीं। मतलब आप यूँ मान लीजिए कि 1 किलोमीटर के दायरे में ही बारिश जो है कहीं पे हो रही है और कहीं पे नहीं हो रही है, इस तरीके का अजीब सा मौसम हो रहा है। और हाँ, एक ये चीज बतानी थी आपको, ठीक है, टैंक है उसका ये ढक्कन भी हमने आज फिट करवा दिया था, ये फिट हो गया है तो अपना ये काम कंप्लीट हो गया। यस, तो अभी एक बार फिर से आ गए थे हम नागरी टेक्निकल एंड हार्डवेयर के ऊपर। अभी हम थोड़ा सा कलर वगैरह सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि अपने आगे को फ्रंट टेक्सचर के लिए भी कलर और आगे का जो हमारा मेन डोर है उसके लिए भी कलर सेलेक्ट करना था, तो अभी वही देख रहे हैं। ये कौन से, ये अपने फ्रंट के लिए? हाँ, अपने को क्या ना कि ये सारे कलर जो है ना वो डार्क ही चाहिए। ये जैसे ये लाइट आ रहा है ना, इसका मतलब ये जैसे कि अपने को उसने जो हमारे एलिवेशन जो बनाया था उसमें ये कलर है, इस टाइप से आप थोड़ा कुछ यहाँ लाइट चला जाएगा फिर खिड़की का जो बॉर्डर है यहाँ पर डार्क कर सकते हैं। काफी ज्यादा कंफ्यूजन है अभी हमारे जो कॉन्ट्रेक्टर जो हैं वो भी आ गए हैं, तो अभी दिखा रहे हैं यही कलर्स कॉम्बिनेशन को लेकर के ही बात कर रहे हैं। हमने ये ले लिया है और घर पे बैठ करके आराम से इधर फाइनल कर लेंगे। तो अपना सारा जो है मेनली जो भी सामान लेकर के जा रहे हैं वो नागोरी इलेक्ट्रिकल एंड हार्डवेयर से, तो पेंट कलर का भी इनके पास अच्छा खासा कलेक्शन है, तो ये सारे हमने ले लिए थे, काफी अच्छे ब्रांड है अपने, तो यहीं से सारा कुछ आइटम थे। और अब और भी दूसरी चीजें जो हमें देखनी थी डोर्स वगैरह के लिए उसके लिए जाते हैं, तो आगे जितना भी जो भी होगा वो आपको जरूर बताऊंगा। को भी अगर इलेक्ट्रिकल एंड हार्डवेयर पेंट से रिलेटेड कुछ भी चीजें खरीदनी हो तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। एक तो पोस्ट वाइज मैंने आपको ये चीज पता है कि एक्चुअली मैंने जो भी चीजें खरीदी है वो पोस्ट वाइज मैंने 2 से 3 जगह कंपेयर किया है, सेम आइटम आपको तरीके से बेस्ट रेट पे मिल जाता है, तो ये एक बेस्ट थिंग है। यस, अभी हम आए थे जयपुर का शोरूम है डोर्स का, हमें डोर्स वगैरह देखने थे पर बंद है अभी क्योंकि संडे का दिन है, तो शाम को शायद तक जल्दी बंद कर दिया होगा इसलिए डोर्स तो नहीं देख पा रहे,
पर ठीक है, अब तो अपना ये प्लान जो था यहाँ तक आने का, ये अपना थोड़ा सा फेल हो गया कि एक्चुअली यहाँ पे रोड देखने के लिए आए थे, पर ये चीज तो अब हो नहीं पाई थी। पर बारिश आने लग गई है तो हम थोड़ा सा रुक गए थे यहाँ पे, अब बारिश रुक गई है तो निकलते हैं। वापिस से थोड़ा सा हम चले वहां से और वापिस से रुकना पड़ गया, बारिश जो है वो वहां से बंद हुई और निकले थे और वापिस आने लगे रुके हुए शॉप के बाहर। तो आज न तो कुछ काम बना, मतलब अपना पेंट वाला काम तो हो गया, पर ये बाकी न तो कुछ काम बना इधर डोर का और उसके लिए आए थे इधर। तो अब देखते हैं बारिश रुके तो उसके बाद निकलते। वैसे हमारे पास रेनकोट है पर बारिश में थोड़ा इधर उधर कुछ चीजें लेनी भी थी तो थोड़ा रेनकोट पहन के घर घर ही निकलना होता तो रेनकोट पहन के निकल जाता। मेन मार्केट जो अपने मंडी की तरफ जो है तो राखी वगैरह खरीद सारी स्टॉल्स लगी हुई है, आप मेरे पीछे देख सकते हो। तो अभी चलते हैं कि किसी एक स्टॉल पे और देखते हैं। देखिए देखो 12 का है ना, सारी ले लो सकते हैं आप दूसरी जगह, क्योंकि यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रही थी। डोर्स वगैरह के लिए बांधने के लिए हमने ले ली रखे घर की चीजों के लिए और कहीं और जाकर के देखते हैं। तो अभी नमो राखी प्रचार करते हुए यहाँ पे आ गए थे सात प्रतिशत का, तो यहाँ देखते हैं। ये तो पूजा की थाली वगैरह है, नहीं ये सारा मार्केट बहुत बड़ा लगा हुआ है और प्राइसेस वगैरह भी इसका काफी सही है। यूनिक राखी जो है वो आपको बताता हूँ, ये देखिए आप। तो ये इसमें काफी सारे राखी हैं, जैसे कि ये मेरे को एक अलग की लगी थी रणवीर सिंह वाली, तो आप ये देख सकते हैं। और इसके अलावा कुछ पूरी के शौकीन अगर कोई भाई हो तो उसके लिए ये राखी हैं। ये फेसबुक कोई अगर ज्यादा चलाता है तो वो उन भाइयों के लिए, तो मतलब किसको क्या शौक है उसके अकॉर्डिंग भाई के लिए राखी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हो कितनी लंबी राखी है, तो आप फाइनली हमें ये समझ में आएगी। देख सकते हो ये स्माइली वाली है जैसे कि, तो ये इस तरीके की यूनिक पैटर्न्स। और इसमें सबसे बेस्ट पार्ट ये, तो इनमें एक तो अंदर लाइटिंग सिस्टम है, एक कीचेन का दे रखा है, तो अगर बाद में जब तक आप राखी की तरह अगर राखी से निकल जाए बच्चों का तो बाद में इसको कीचेन की तरह यूज कर सकते हैं। तो ये मार्केट लगा हुआ है तो यहाँ पे आप आकर के राखी वगैरह खरीद सकते हो। हमें भी कुछ यूनिक मिल गया, देख सकते हैं नमो राखी भंडार। और यहाँ से हमने राखी वगैरह मतलब दो काम आज हो गए, एक अपने पेंट वगैरह की बात कर ली और दूसरा की राखियों की जो परचेसिंग थी वो हो गई।